मिला अनोखा सरप्राइज। बच्चों के आने से फाल्गुनी के चेहरे पर आई खुशी। सीरियल जीजी माँ में आज फाल्गुनी को मिला है एक प्यारा सा सरप्राइज। फाल्गुनी ने जिन बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग से बचाया, वो सारे बच्चे अपनी फैमिली के साथ आ पहुँचे हैं रावत विला अपनी फाल्गुनी दीदी को थैंक यू कहने। मेरी बड़ी बहू एक अच्छी माँ है, पता है? ये जो नियति है ना, इसे जीजी माँ के माँ की गुजरने के बाद नियति को फाल्गुनी ने बना दिया है। माँ का प्यार और ये जो मेरा विधान है ना, वो फाल्गुनी को भाभी माँ। फाल्गुनी से मिलने उसके छोटे मेहमान आए हैं, छोटे बच्चे जिनको वो बचाती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, तो वो आए हैं सब मिलने, प्लस उनके पेरेंट्स भी आए हैं मुझे थैंक यू बोलने के लिए कि उनकी वजह से, सॉरी मेरी वजह से उनकी बच्चियाँ मिल गई हैं। सो वही सीन है और बहुत खुश हैं सब और मुझे थैंक्स बोल रहे हैं और मैं भी बोल रही हूँ थैंक यू सो मच और इन बच्चों को हमेशा लाते रहना। वही सबके दौरान हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। उत्तरा देवी का दिखा अनोखा अवतार, जहां उत्तरा देवी फाल्गुनी की तारीफों के पुल बांधती हुई नजर आईं। अब ये उत्तरा देवी की कोई नई चाल है या फिर सच में उत्तरा देवी सुधर गई है, चलिए खुद फाल्गुनी से ही जान लेते हैं। उत्तरा देवी का हृदय परिवर्तन हो गया है, शी हैज चेंज्ड टू गुड। और वही फाल्गुनी कंफ्यूज्ड है कि ये सच में चेंज हो गई, क्योंकि हमेशा वो यही करती हैं कि नाटक करती हैं, अच्छा फिर वो वैसे बॉम्ब फोड़ देती हैं। तो अभी भी वो थोड़ा डिलेमा में है फाल्गुनी की, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों इतने बहुत, क्योंकि तारीफें करती हैं वो और वो बोलती हैं कि फाल्गुनी का जब भी बच्चा होगा तो बहुत लकी होगा और मैं भी दादी बनूंगी, ये वो सब बोलती हैं, तो फाल्गुनी थोड़ा कंफ्यूज है। वेल फाल्गुनी, अब यहाँ तो उत्तरा देवी ने सबके सामने अपने आप को सही साबित कर दिया, लेकिन फाल्गुनी जरा सीरियल में आगे आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में भी तो बता दीजिए। आगे उत्तरा देवी हमें यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं कि वो सुधर गई हैं, तो वो हमारे लिए एक ट्रिप प्लान करती हैं सिंगापुर का, तो लेट्स सी हम सिंगापुर जाएंगे शायद। अब क्या वाकई उत्तरा देवी सुधर गई, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।